बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंकल मॉड्यूलेशन। बिफोर मिट हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड उसके सब टाइप्स। अभी हम डिस्कस करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन भी हमारे पास टाइप है, कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन की या एनालॉग मॉड्यूलेशन की। इसी की देखकर हम कैटेगराइज करें या क्लासीफाई करें या उसको रिफ्रेश करें जो हमने क्लासीफिकेशन पढ़ी थी। तो हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन जो है वो कंसीडर की जाती है फर्दर आगे दो सब टाइप में। एंगल मॉड्यूलेशन में फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन हमारे पास बाकी दो टाइप्स आते हैं। तो अगर इसको हम समाप्त करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन या एनालॉग मॉड्यूलेशन की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। उनमें से एक हमारे पास आ जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बाकी दो जो है वो दोनों एंगल मॉड्यूलेशन में कंसीडर होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल होता है, हम उसको मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको वेरी कर लें, या हम उसके फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन कर लें, या हम उसके फेज में वेरिएशन कर लें, ठीक है। अब एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि एट द सेम टाइम हम एक चीज़ को एक एक टाइम में वेरी करेंगे, बाकी दो को कॉन्स्टेंट रखेंगे। मीन्स अगर हम एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कर रहे हैं तो हम फेज को और फ्रिक्वेंसी को दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी ऑब्वियसली, तो हम उसका एम्पलीट्यूड और एंगल उसको कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह से हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। होगी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो इसमें मुझे क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इसको डिफाइन करें एंगल मॉड्यूलेशन को, तो हमारे पास ये आता है कि एंगल मॉड्यूलेशन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसपे हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को या फेज को, ठीक है, दोनों को सेम टाइम में नहीं और है इसमें फ्रीक्वेंसी को या फेज को, ठीक है, मतलब जो भी हम कैरियर सिग्नल कंसीडर करें उसकी या हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, उसमें वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन हम कैसे करेंगे, हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग करेंगे या हम उसकी फेज में वेरिएशन करेंगे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो वो जो हमारे पास मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे हमारे पास ये एंगल मॉड्यूलेशन है, ठीक है। इसकी डिफाइन क्लियर हो गई है, अभी हम नेक्स्ट जो है वो इसको फर्दर देखते हैं। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी एस ऑफ टी ए सी कॉस थीटा आई टी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हम ये इक्वेशन जो है हम एज इट इज उसमें भी यूज करते रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन सेम है। अब वेरिएशन इसमें जो है वो आएगी जब हम इसको इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है हम एंगल मॉड्यूलेशन डिस्कस करें तो हम यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं करेंगे। जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे थे तो हम यहाँ पर वेरिएशन करते थे एम्पलीट्यूड में, यहाँ पर हम वेरिएशन करेंगे किसमें, एंगल में। इसी वजह से हम इसको एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी फर्दर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ए सी से क्या मुराद है हमारे पास, ए सी से मुराद हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड वेव का, ठीक है। इसी से हमारा हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। इसके बाद हमारे पास है ये सेम रहेगा क्योंकि हम एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस ही बात है हम एंगल मॉड्यूलेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल मॉड्यूलेशन में हम इसकी फेस या फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन करेंगे। तो इसका जो कैरियर का एंगल होगा और जो मैसेज सिग्नल का एंगल होगा दोनों का ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव और कैरियर सिग्नल इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। अभी हम थीटा को देखते हैं तो थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है मॉड्यूलेटेड वेव का। अभी हम एंगल मॉड्यूलेशन को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में और फेज मॉड्यूलेशन में सब डिवाइड करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन को। ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम जो है इसको देखते हैं कि फर्दर इसको जब हम क्लासीफाई करते हैं मजीद सब टाइप्स में, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होते हैं जब हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करते हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग लीनियरली। मीन्स टू से जैसे जैसे उसमें वेरिएशन आ रही होती है बिल्कुल लीनियर इनका बिहेवियर होता है, आपस में लीनियर कॉन्टैक्ट होता है कि जैसे उसमें वेरिएशन आ रही होती है वैसे ही हम इसमें वेरिएशन ला रहे होते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जब हम फेज में वेरिएशन लाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम डिटेल में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देखें तो हम कहते हैं कि
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे कि ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है उसको वेरी करते थे, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में जो है वो वेरिएशन लेके आएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड, अब जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं कैरियर सिग्नल की, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, एक एम्पलीट्यूड और थर्ड वन जो है वो हमारे पास फेज। अगर हम फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग्स ला रहे हैं, मॉड्यूलेशन का मतलब ही क्या होता है, रेगुलेट करना, अगर हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कर रहे हैं तो हमने उसका एम्पलीट्यूड एंड उसका फेज दोनों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब इसी तरह से बाकी टाइप्स को भी आपने जब कंसीडर करना है तो देख लेना है कि जोन सी मॉड्यूलेशन आपके पास है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो उसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, बाकी दो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी। अगर फेज मॉड्यूलेशन है तो उसमें फेज कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, इसमें वेरिएशन होगी, बाकी ये दो जो चीज़ें हैं ये कॉन्स्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो अगर इस यहाँ से आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो हम मजीद जो है इसको डायग्राम से देख लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, आपका मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल को आपने एक और नाम भी दिया हुआ है, जैसे हम उसको बेसबैंड सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैसेज सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरह से जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक कैरियर सिग्नल है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, तो हम कैरियर सिग्नल में की फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन लेके आएंगे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। जहाँ पर मैसेज सिग्नल की जो का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा होगा तो वहाँ पर इसके ये जो साइकिल हैं करीब करीब आ जाएंगे, जहाँ पर उसका साइकिल कम हो रहा होगा वहाँ पर दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको जब तीनों पिक्चर्स को कंबाइन करूँगी तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, फर्ज करें ये मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है आपके पास, ये कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अब मैसेज सिग्नल में अगर आप देखें तो यहाँ से वैल्यू कम है फ्रिक्वेंसी की, यहाँ पर जाते जाते ज़्यादा हो गई है, फिर कम होती गई, फिर और कम होकर नेगेटिव में चली गई, फिर बढ़ती जा रही है, ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगी, स्टार्ट में देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से इसका वैल्यू कम होना शुरू हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होना शुरू हो गई, फिर अगेन बढ़ती गई, मतलब इसकी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएशन आएगी। अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आई, फेज में भी कोई वेरिएशन नहीं, तो यही बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब जो बात मैंने आपको वैसे बताई है वो यहाँ पर डिटेल से लिख दी गई है, इसको आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि हमने जो इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एफ आई के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है प्रॉपर, उसको हम प्रेजेंट करते हैं एफ सी प्लस के एफ एम टी। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं एफ आई से क्या मुराद है हमारे पास, एफ सी से क्या मुराद है, के यहाँ पर क्या कर रहा है और एफ एम हमारे पास क्या है। ठीक है, एफ सी से मुराद हमारे पास क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, के डी से मुराद हमारे पास फ्रीक्वेंसी की सेंसिटिविटी है। ठीक है, यहाँ पर के साथ टी आना चाहिए था। ठीक है, तो अब उसके बाद एम ऑफ टी जो है वो हमारे पास मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, के ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, सेंसिटिविटी फैक्टर है, एफ सी से मुराद हमारे पास कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी हम रिलेशनशिप देखेंगे कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगल इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आपको याद हो, अगर हम एंगुलर मोशन की बात को डिस्कस करते हैं, जैसे एक हमारे पास लीनियर मोशन होती है, एक हमारे पास एंगुलर मोशन होती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती है। तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वाला देखेंगे, जैसे हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, या एंगुलर फ्रिक्वेंसी का नाम हम यहाँ पर इसको देते हैं, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स टू से डी आई थीटा तो हमारे पास जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, टू पाई एफ के। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख दी है, आई वैसी का वैसी, ये इक्वेशन एज इट इज आ गई हमारे पास, ठीक है। पर तो जो है हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एक चीज बहुत सिंपल है, यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव खत्म करना चाह रहे हैं, तो डेरिवेटिव को जब भी हम खत्म करना चाहते हैं तो हम साथ में क्या लगाते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो डेरिवेटिव जो है उसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप जो है यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं किया, आई होप कि आप खुद से कर लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है ये। इसमें क्या करेंगे आप कि थीटा को जो है वो एक साइड पे रहने देंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑफ टी इसके साथ आ जाएगा, दोनों साइड पे इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास सिंपल थीटा आएगा। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, थीटा आई टी ये एक साइड पे, डी ऑफ टी जो था वो इसके साथ चला गया था, और यहाँ पर इंटीग्रल जो है। अब हमें पता है कि हम कांस्टेंट वैल्यूज को इंटीग्रल के बाहर लग सकते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यूज है वो बाहर आ गए 2 पाई, क्योंकि ये भी इसकी वैल्यू पे फिक्स है, 2 तो ऑलरेडी हमें पता है वैल्यू जो है इसकी फिक्स है, तो वेरिएबल अंदर रहने दिए। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। बेसिकली यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, थीटा की वैल्यू हम निकाल के जो स्टैंडर्ड हमारे पास मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई इन द अबव इक्वेशन, कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ आई की इक्वेशन पुट करेंगे, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू पीछे जाके पुट करेंगे, ठीक है। एफ आई की वैल्यू जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, मैं पीछे से आपको दिखा देती हूँ स्लाइड्स में, ये एफ आई की वैल्यू जो है वो आपने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये वो जो एफ आई की वैल्यू है वो यहाँ पर प्लेस कर देनी है इस जगह पर, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी रहेगी। जब आपने इक्वेशन प्लेस कर दी, मैंने यहाँ पर दोबारा से याद कराने के लिए, ये रिफ्रेश करने के लिए वो वैल्यू दोबारा से भी लिख दी है। अभी आप देखेंगे तो जब उसकी वैल्यू, ये एफ आई की वैल्यू यहाँ पर जब पुट की, तो हमारे पास थीटा आई की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी, एफ सी प्लस की एफ एम टी डी ऑफ टी। मीन्स टू से कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमने पुट की है इसकी एफ आई की, ठीक है। बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई है। ये है जी आपके पास फाइनल इक्वेशन, ठीक है, थीटा की। इसको मैंने मजीद खोल के जो है वो उसको एक्सप्रेस करती है, जो चीजें मीन्स टू से सम हो रही थी मल्टीप्लाई होने के बाद वो बाहर लिखती है, बाकी जो है वो उसको तरतीब से लिखती है। अब जो है वो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये जो जनरल इक्वेशन आ रही थी मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेशन की जो जनरल इक्वेशन हमारे पास आ रही थी, यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू जो है वो प्लेस कर देनी है। मींस टू से इन शॉर्ट ये वाली जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। तो वो जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ए सी एस इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमने वैल्यू जो है वो कॉस एज इट इज रहने दिए, जब थीटा की वैल्यू प्लेस कर दिया तो हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से आ गई। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास एफएमई वेव की होती है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको स्टेप्स जो है वो अगेन रिवाइज करा देती हूँ। स्टेप्स में क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना था, मैथमेटिकल स्टेप्स की बात कर रही हूँ कि जनरल इक्वेशन कंसीडर करनी थी, उसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जो है एफ आई की इक्वेशन जो है उसको डिराइव कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे। अब वो इक्वेशन एफ आई की हमने निकाल ली तो उसके बाद हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, ओवरऑल इक्वेशन लिख के हम थीटा की वैल्यू जो है वो उसको डिफाइन करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू आई से या ओमेगा आई से आ जाएगी, वहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसमें हमारे पास एफ आई जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वहां पर एफ आई की वैल्यू बेस कर देंगे थीटा की वैल्यू में, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास मॉड्यूलेशन की होती है उसमें जो है वो हम थीटा की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम एफएम वेव की इक्वेशन कहते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एम ऑफ टी या मैसेज सिग्नल इसकी कोई वैल्यू कंसिडर नहीं की, सिंपल एम ऑफ टी लिख दिया। अगर इन केस मैं एम ऑफ टी को कंसिडर कर लूँ ए एम कॉस 2 पाई एफ एम एम टी, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कंसिडर कर लूँ तो उसकी वैल्यू जो है वो प्लेस करने के बाद मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन में आपको एक चीज थोड़ी सी लग रही होगी कि बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यूज तो पुरानी है। बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, रेशियो है बेसिकली, या इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहते हैं।
ये सेम केस वही है जो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंगल टोन जो है वो मॉड्यूलेशन का केस जो है वो डिस्कस किया था, उसमें भी एक रेशियो थी, उसको आपने नाम दिया था, एक किसी और वेरिएबल का नाम दिया होगा, ठीक है। इसमें हमने इसको बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। तो बीटा हमारे पास बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और ये रेशियो होती है हमारे पास के एफ ए एम डिवाइडेड बाई एफ एम। तो यहाँ पर नीचे ये भी बताया होगा के एफ क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए एम क्या है और एफ एम क्या है। ये प्रीवियसली भी आप डिस्कस कर चुके हैं, एम हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, या ए बेसिकली ये कांस्टेंट होता है मैसेज सिग्नल जो भी आपके पास होगा, एफ एम जो है वो आपके मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, के जो है वो यहाँ पर क्या है हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो फिक्स होगी, ठीक है। तो अभी जो है अगर हम ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसको हम अगर फर्दर इसकी सब टाइप में इसको क्लासीफाई करना चाहें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं एफ एम की, एक आ जाएगा हमारे पास नैरो बैंड और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वाइड बैंड। ये दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू पर, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इसका जो कोई क्राइटेरिया होता है कि अगर ये ग्रेटर देन वन होगी तो ये किसके कैटेगरी में आएगी, अगर लेस देन वन होगी तो आपका जो एफ एम है वो किस में आएगा, नैरो बैंड में आएगा या वाइड बैंड में आएगा। तो फर्दर सब टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हमारे पास जो फेज मॉड्यूलेशन जो है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, किसी चीज़